यही तो आयुब में मसला है कि भाई एक तो इतनी मुश्किल से कोई इवेंट हो रहा ना ना करके आतिफ असलम को भाई हम बुलाएंगे, आतिफ असलम आएगा, आतिफ असलम आएगा, घंटा आतिफ असलम आएगा, इनको अभी यही नहीं पता कल तक के जो है ना लोकेशन क्या है, चार लोकेशन चेंज कर चुके हैं, रमादा, फिर जो है पीएफ म्यूजियम, फिर मेन कैंपस, फिर अच्छा आतिफ असलम ने अभी तक डाला ही नहीं है, पासिस ढाई ढाई हजार चार चार हजार के बेच रहे हैं, पागल बनाया हुआ आवाम को, अभी जाके बात करूंगा रिफंड की नहीं होगा तो भाई आप खुदाफिस खुद सुनो घर पे जाके, हमें नहीं चाहिए भाई। कल मेन कैंपस में बुलाएंगे वो लोग, सही है, और बोलेंगे कि हेडफोन्स ले आप लोग, आतिफ असलम घर से कॉन्सर्ट कर रहा है, घर से कॉन्सर्ट कर रहा है, ऑनलाइन हो रहा है भाई, यही बिल्कुल ऐसे ही है, इकरा मिस्त्री का यही तो मसला है भाई, और जगहों पे भी कॉन्सर्ट होते हैं यार, प्रॉपर होते हैं, आपका बजट नहीं है, आपको कंफर्म नहीं, आप आतिफ असलम को बुलाओ ही नहीं, बच्चों को पागल बनाया हुआ है, एक दिन से एक दिन पहले आप लोकेशन चेंज कर रहे हो यार, मजाक चल रहा है तो बता दो यार, और कराची में ना इस हफ्ते कोई पांच छह इवेंट हो रहे हैं बड़े बड़े, तो कोई पागल ही है फिर जो है आतिफ असलम में जाएगा, हम इस क्यों जा रहे हैं आतिफ में, क्योंकि हमें आतिफ को सुनना, और आतिफ नहीं आएगा तो फजूल है, मैं तो कहूँगा मुझे रिफंड दे दो भाई, नहीं चाहिए मुझे, आप सुनो अपने बैठ के। सो भाई अभी अंदर जाके हमारा जो है काम हो गया है, क्या एक बंदा, हाँ काम हो गया ना, एक बंदा बैठा हुआ था यार, देखो नहीं करो। सो अभी अंदर जाके जो जिस काम के लिए हमारा आया था वो हमारा फुलफिल हो गया, लाइक हम अंदर गए, उस बंदे ने ये बोला कि अगर आतिफ नहीं आएगा तो वो हमें हमारे पास के रिफंड कर देगा पैसे, और सेकंड चीज़ ये कि वो बोल रहा नहीं मेन कैंपस में होगा क्योंकि ड्यू टू सम रीजंस इधर उधर वो नहीं कर पाए पीएफ में जहाँ पे भी पहले हो रहा था स्केड्यूल, बट कन्फर्म है कि कल आतिफ आ रहा है। फिर अभी हमने थोड़ी देर पहले नमाज पढ़ी क्योंकि जुम्मे का दिन था, वो मैं दिखा नहीं सका आपको क्योंकि जिस जगह पे मस्जिद थी वहाँ पे थोड़ा सा रूट ऐसा लगे कि शॉपिंग हो जाती हमारी, तो मैंने सोचा कि नहीं अभी नहीं, अब मुझे भूख लग रही है, मास्क को भी लग रही है, मुझे नहीं लग रही, हाँ इसको नहीं लग रही, मुझे लग रही है, मेरा दोस्त है सैफ जो आप जानते हैं ना, तो बिल्कुल लग रही होगी, वो अभी आ रहा है फिर उससे मिलते हैं, चले नीचे आए तो एक अलग ही सरप्राइज है, हमारा सैफ भाई आया हुआ है नीचे, ये देखो भाई, हाँ ये हमें लेने आया हुआ था क्योंकि आज का प्लान था इसके खाने का भी, ये राजा भाई आ गए, राजा भी भाई सरप्राइज कम नहीं देता, सो रहा था, लेकिन ये देखो क्रॉस ओवर चेक करो, क्रॉस ओवर चेक करें आप, क्रॉस ओवर चेक करें भाई, भाई यार राजा क्रॉस ओवर चेक करो, ये देखो डीसी वर्सेस मार्वल, आ जाओ बैठो राजा, आगे बैठो, ये हमारा आ गया सैफ, सैफ भाई कैसा है यार, आज तो तू जबान पे उतर आया यार, जबान पे उतर आया बहुत मजा आने वाला है आज, तो भाई सैफ तो हमें यहाँ पे छोड़ के चला गया बाहर, बोला मुझे कोई काम है, अब जैसे उसका काम कंप्लीट होगा तो वो आएगा है, हम तीनों को यहाँ पे छोड़ के चला गया, अब वो आएगा तो ऑर्डर देंगे, पता नहीं क्या खिलाने वाला था, ये जा रहा है देखे वो, देखे चला गया, सारे मास्क के भाई आए ना यहाँ पे, गंदी गंदी बातें कर रहे यार, यहाँ पे हम लोग भी आ गए लेकिन सैफ ने अभी हमें पता नहीं टोपी दी क्या दिया है, हमें यहाँ पे अकेला छोड़ के चला गया है, वी डोंट हैव एनी कार एनीथिंग बट वी आर हियर राइट नाउ, और अब स्टार्ट करते हैं कुछ, कहाँ बैठे हैं यार बताओ, वेयर टू सिट, किधर बैठे हैं, जेंट्स उधर है, जेंट्स उधर है, उधर बैठ जाते हैं सर, चले भाई उधर बैठ, हाँ हाँ मैंने देख लिया। सो अभी सैफ का तो वेट करना पड़ेगा ना भाई, सैफ को तो वेट करना पड़ेगा, सैफ हमें छोड़ के चला गया, टाइट वाला सीन हो गया, बैठे मैं इधर ही उधर उधर बैठ, टाइट सीन हो गया भाई बहुत टाइट यार, यहाँ पे कबूतर ना, क्या हुआ, मैं डर गया भाई, क्या कर रहा है भाई भाई एक नया सरप्राइज मिला है, हम जैसे इंटर हुए हमारे समझ ले सीनियर एक हमारे खड़े हैं, मुस्तफा इस्लाम, मुस्तफा भाई कहते हैं बिल्कुल ठीक, काफ़ी टाइम बाद आपको यहाँ पे देखा, और वैसे तो मैं यहाँ पे काफ़ी ब्लॉग करता रहता हूँ लेकिन आज सरप्राइज हुआ मुझे आपसे देखा, लाइक मेरी जितनी भी इंस्पिरेशन है लाइक जिस तरीके से मैं द वे आई टॉक और मैं सब इनको देख के ही करता हूँ आपको तो पता है, तो ये हमारे समझ लें कि इंस्पिरेशन खड़े हैं मुस्तफा भाई, बहुत मज़ा आता है आपके व्लॉग्स देख के, बहुत मज़ा आता है, कुछ बताना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को आप भाई, अगर अच्छा काम करें तो ज़रूर इनके काम को आप जो है वो सपोर्ट करें, यही कहें बिल्कुल, थैंक यू सो मच उस भाई आज मिले हैं, देखें तो वैसे भी आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा सरप्राइज था कि मुस्तफा भाई हमें मिले, और उन्होंने राजा से भी मिले, मास हम सबसे मिले, और बहुत अच्छा रहा कि एक होता है ना कि आप जब अपने सीनियर व्लॉगर को देखते थे कुछ इंस्पिरेशन मिलती थी यार ये कितनी मेहनत कर रहे हैं तो वाई नॉट यू, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इनके मैं व्लॉग्स देखता रहता हूँ, लाइक मेरी कोशिश होती है क्योंकि इनके जो व्लॉग्स होते हैं काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, फ़नी होते हैं, तो मैं चाहता हूँ मैं भी इनकी तरह जो अपने व्लॉग्स में फन और ये सब करता रहूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसमें को बहुत अच्छा लगा, आई होप आप लोगों को भी मजा आएगा, तो अभी हम सैफ का वेट कर रहे हैं, वो जैसे ही आता है तो कुछ खाएंगे फिर आगे चलते हैं।
अच्छा यार देखो तुम यहाँ पे लेके आए हो, तुम्हें पता है यहाँ का सबसे जो है ना अच्छा क्या है, तो तुम हमें बता दो मंगवा ले अच्छे जो तुम्हें सही लगे। मुस्तफा भाई भी अभी मिले थे क्योंकि तो मुस्तफा भाई के जो व्लॉग में भी देखते हैं तो उनको भी यहाँ की न्यारी बड़ी पसंद होती है, तो न्यारी बोल दो भाई कुछ कह रहे हैं, न्यारी हो जाए मुस्तफा भाई के लिए, न्यारी हो जाए एक न्यारी भी हो जाए और एक जो ये कह रहा है एक बोली, एक ही है दोनों चीज़ें सही ना, एक बीफ न्यारी और एक और बाकी नान भी आएगा गरम भाई। अभी का ये हो गया, फिर उसके बाद देखते हैं क्या है भाई। तुमने बहुत जाना साहब बहुत लेट करा, तुमने बहुत ज्यादा लेट करा। वॉशरूम में हूँ, क्या बोला था वॉशरूम में हूँ, और किसने कहा था, इन्होंने मेरे को कॉल करी, अब मैं आवाज़ खड़ा दे रहा हूँ नीचे, धूप इतनी हो रही, आवाज़ मार रहा हूँ, अब नहीं आऊँगा, गलती हो गई यार भाई। ये ट्राई करते हैं, ये कोई यहाँ की नई डिश है, ये हमारे सैफ भाई ने हमें रिकमेंड किया है, ये नहारी लच्छा नाम है इसका, ये नॉर्मल नहारी है, ये सारी रोटियाँ हैं, ट्राई करते हैं देखते हैं कैसा है। तो भाई आज का हमारा जो है खाना वाना हो गया, वापस हमें जो है जा रहे, सारा खाना इसने खाया और वापस हम लोग जा रहे हैं यूनिवर्सिटी, हमजा एक हमारा दोस्त है उसके पासिस लेने। ये क्या है ये कौन है, ये कौन ये एलियन घूम रहा है हमारे साथ, कौन है भाई ये सर, कौन है आप, कहाँ से आ गए सर, यानी मेरे बटवा चोरी किए सर, कौन है भाई ये, जेब में हाथ डाल देता भाई, हेलो जेब में हाथ डाल दो, कौन हो यार, फिल्टर पीते हो यार, शर्म नहीं आती। सो अभी हम लोग सबने जो है खाना वाना खा लिया, सैफ आ गया था फिर, और अब हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी क्योंकि एक हमारा दोस्त है हमजा, उसको चाहिए पासेस और वो उसका बंदा वहाँ पे लेके खड़ा, तो उसके लिए पास ले दें, चल के अगेन यूनिवर्सिटी और फिर इस व्लॉग को आगे लेके जाएंगे जहाँ पे हम चाहे। भाई ये तो बताओ हमजा पास क्यों नहीं लिया हमजा ने वो असल में बस मैं तो भाई से आया था, तबीयत थोड़ी खराब हो गई, हाँ तो वो थोड़ा दर्द हो रहा था तो इसलिए वो आ नहीं सका। काफी दिनों बाद मुलाकात हुई भाई से, हो गया अभी यार बहुत वेट हो रहा है हमजा, तुम्हारी वजह से इतना वेट हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है, कोई हम आधा घंटा हम यहाँ पे गवा चुके हैं अपना, और ये इन दोनों को देखें यहाँ पे यानी क्या हो गया आप देख सकते हैं। ये मैं दवाई ले रहा हूँ सैफ के लिए, मेरे लिए दवाई सैफ का भाई, यहाँ पे अभी हम आ गए चाय पानी और वो क्या कहते हैं लस्सी पीने आए हुए, हाँ लस्सी पीने आए हुए, एक की जो है मेडिकल कंडीशन ऑफ है, बोल रहे पेनाडोल चाहिए, सैफ की बात सुन के हाँ चेक करो, इसमें क्या है, इसमें माज भाई को बिठा के ना बेहोश हो गए थे, तो ये अभी सबने चाय मंगा लिए, देखें यहाँ पे चाय वाय चल रही है। बट्टा 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 है भा, क्रिकेट स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे राजा बैटिंग कर रहा है, मास बॉलिंग, ओ बॉल हिम, अस्सलाम वालेकुम। सो इस व्लॉग में अभी मैं एक जगह पर परफॉर्म करने जा रहा हूँ, तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाऊंगा इसका भी ब्लॉग और परफॉर्मेंसेस, लेकिन जो अभी हमारा पूरा ब्लॉग था इस ब्लॉग को हम यहाँ पे करते हैं एंड, और ये वाली जो नई जितनी भी परफॉर्मेंस है इसको दिखाऊंगा मैं आपको पार्ट टू में, ये तो इंशाल्लाह मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।